स्वागत है आप सबका एक और नए पार्ट पे। जैसे कि कल हमने देखा था लमार, फ्रैंकी और ट्रेवर ने तीनों ने जो डेविन वेसन की छह सुपर कार उसको दे दी थी, और मोली की उसकी जो सेक्रेटरी है डेविन वेसन की, उसने कहा था कि जो उसको अमर को पैसे देने थे ना वो डेविन वेसन ने फंड में लगा दिए। तो आज चलते हैं हम अपने घर। उससे पहले लेस्टर का फोन आया था, उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पर यहाँ पे कोई कुगंड हो रखा है, गाड़ी बड़ी चल रखी है, देखते हैं क्या गाड़ी चल रखी है। ये बेचारी परेशान है, ये ड्राइवर थी, इसकी गाड़ी पट चुकी है, इसको हम इसके घर छोड़ के आते हैं। तो इसके हम इसको घर छोड़ रहे हैं। भाई ये तो डरावनी लग रही है, इसकी गर्दन टूटी हुई है, मैंने भूतनी को तो बिठा लिया। जैसे होता है जंगल बियाबान में मिलती है हमारे को वो भूतनी, और भाई पकड़ के खून वून चूस लेती है, ये तो नहीं कर दिया ना। नहीं नहीं ये भूतनी नहीं है, दिन हो चुका है, नहीं तो अब तक हमारा कुकन कर चुकी होती। अब बताता हूँ कि लेस्टर हमारे को क्या कह रहा था। मतलब हमने लेस्टर को फोन किया था, हमने उससे पूछा था कि माइकल का कुछ ऐसा पता है, माइकल भी ना माइकल का फोन वोन आया। तो लेस्टर कहता है उसने अपने साइबर पता, ये हैकर है लेस्टर। तो लेस्टर ना चेक करता, कहता कि ना ट्रेवर ना और माइकल का फोन लास्ट ना नॉर्थ एंगटन में था, मतलब दोनों इकट्ठे नॉर्थ एंगटन में गए थे, उसके बाद ना उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा है, ना कि उसके क्रेडिट कार्ड्स भी एक्टिव नहीं है। जैसे पता है ना कोई चोरी वोरी हो जाए तो उसका क्रेडिट कार्ड से हम बिलिंग विलिंग कर सकते हैं। तो एल कह रहा है ऐसा भी कुछ नहीं है, उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। वो कह रहा है ट्रेवर से पूछना, ट्रेवर तो नॉर्थ एंगटन से आ चुका है। तो वो कहता है ट्रेवर को फोन करके बोल दो कि वो मेरी आंट के घर के पास मिले। तो बस हम अपनी आंट के घर जा रहे हैं जहां हम पहले रहा करते थे, वहीं जाते हैं, वहीं उसको वहीं पे हमने ड्राइवर को बुलाया है। तो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, क्या कुकांड है। वैसे हमारे को तो सच्चाई पता है ना, लेकिन फ्रैंकी को नहीं पता रहा, तो फ्रैंकी को सच्चाई कैसे पता चलती है, देखते हैं ये सब। तो हम अपने आंट के घर पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे आंट पागलपंती करती हुई यही बात कर रही है, वी आर वुमन वी आर फ्री, वी आर वुमन वी आर फ्री, यही नारा लगाती है। और वैसे ड्राइवर आ चुका है, ड्राइवर जिस जो $2-3 लेके इसको खुश किया था हमने, वही वाले सीन बनता हुआ, और वो डर गई और शांत कर दिया। और ड्राइवर कहता ओ भाई कैसे हो यार कैसे हो, और वैसे ड्राइवर कूद के आ रहा था और गिर गया, और फ्रैंकी हंसता हुआ उस पे, और ड्राइवर को गुस्सा हो चुका है, कह रहा है मेरे पे हंस कैसे रहे हो, तुम मेरे पे हंस कैसे सकते हो, बताओ तुम मेरे पे हंस कैसे सकते हो। वैसे फ्रैंकिन कहता हुआ मैं तुम पे हंस नहीं रहा है क्योंकि वो फनी मोमेंट थी, सॉरी यार मैं कोई हंस रहा हूं, तो तुम काम डाउन यार, शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत रहो। और कहता हूँ यार मैं इतने ड्राइवर कहता हूँ मैं इतने मतलब बेकार चाइल्डहुड से निकला हूँ ना, तभी मेरे को गुस्सा आ जाता है, चलो कोई नहीं। और वैसे फिर भी शांत करता हुआ फ्रैंकिन की, सॉरी यार मैं माफी मांगता हूँ, आज के बाद नहीं करूंगा, मेरी गलती थी, चलो ठीक है माफ कर दो मेरे को, ठीक है। ड्राइवर कह रहा ठीक है आइए मैं एक्सेप्ट करता हूँ तुम्हारी अपोलॉजी, अब ठीक है मैं तुम्हारी एक्सेप्ट कर लिया अपोलॉजी, ठीक है बताओ चलो चलो आओ मेरे से गले मिलो, चलो आओ ना आओ मेरे से गले मिलो, चलो कोई नहीं आओ मेरे से गले मिलो। और फ्रैंकी भाई गले मिलने आ रहा है, वैसे मुक्का दिखा दिया अपने ड्राइवर ने, कह रहा मेरे से गले मिलने की जरूरत नहीं है, और मेरे से बिल्कुल भी गले मिलने की जरूरत नहीं है, मैं पागल हूँ मैं पागल, मैं कुत्ता हूँ एक नंबर का, ड्राइवर अपने आप को ऐसे समझता हुआ। और ड्राइवर भाई अपने परेशान हो रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, जैसे कि वो कह रहे हैं कि उनका चाइल्डहुड बहुत खराब गया है, तो कह रहा वो मैं बहुत बेकार फील कर रहा हूँ, ड्राइवर कहता हुआ। और वैसे ही फ्रैंकी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि माइकल का पता है, माइकल कहाँ हुआ, तुम दोनों नॉर्थ एंगल में इकट्ठे गए थे, बताओ क्या हुआ, कह रहा मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल नहीं पता। और तो वैसे बताने लगता कि तुम दोनों नॉर्थ एंगटन में गए थे, बता दो। और वैसे ही बता रहे कि जो रोन के दोस्त है ना चाइनीज, मतलब मिस्टर चैंग, उसके पापा ने उसको उठा लिया, मतलब माइकल को उसके पापा ने उठा लिया है, उसके बाद मुझे नहीं पता, मैं माइकल का मैं बिल्कुल नहीं जानता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे नहीं पता, वो मेरे लिए मर चुका है, ड्राइवर ऐसा कहता हुआ। और कह रहा है बस मेरे से आज के बाद बात करने की जरूरत नहीं है माइकल के बारे में, नहीं तो मैं तुम्हारा कुकर्ण ऐसे कर दूंगा अगर तुमने मेरे साथ माइकल की बात की। और ड्राइवर यहाँ से जा रहा है, और फ्रैंकी कह रहा है यार तुम उसकी हेल्प नहीं कर सकते, वो तुम्हारा कितना जिगरी दोस्त था, वैसे ही मना कर दिया। और ड्राइवर रुका, इस बंदी को गाली देता हुआ और मुक्का मार दिया, क्योंकि ड्राइवर को आ रहा है गुस्सा, ड्राइवर को गुस्सा आ रहा था। लेकिन फ्रैंकिन भाई तो माइकल का पता पूछ रहे थे ना, माइकल को हम कैसे बचाएंगे, कहाँ है माइकल। लेस्टर को हमने फोन किया, और लेस्टर हमारे को बता रहा है कि भाई माइकल का फोन है ना वो रीचेबल में आ चुका है, रीचे में आ चुका है। तो मेरे को पता चला है कि मैं तुम्हें ट्रैकिफाई ऐप पे ना उसकी लोकेशन भेज रहा हूँ, तुम उसको ट्रैक करो। तो मैं सोच रहा हूँ कल देखते हैं कि माइकल कहाँ पे है, लेकिन अभी देखो तो सही माइकल है कहाँ, माइकल को यहाँ चिकन फैक्ट्री के अंदर लेटा रखे, और वही ये मिस्टर चैंग का पापा है यही, इससे बात करता हुआ। और माइकल कहता हूँ मेरी कोई गलती नहीं है, जो तुम समझ रहे हो मैं ट्रेवर फिलिप्स नहीं हूँ, और वो इसका मिस्टर चैंग का पापा कहता हूँ मैं जानता हूँ तुम ट्रेवर फिलिप्स नहीं हो, तुम माइकल हो, तो मारूंगा तेरे को मैं डंडे से, ऐसा कहता हूँ मिस्टर चैंग। और माइकल यहाँ पे तड़ा पड़ा, और हम आ चुके फ्रैंकी के कैरेक्टर में, चलो बाय गाइस कल बचाएंगे माइकल को, ठीक है बाय गाइस, ट्रैकिफाई ऐप लॉन्च करने और हमें जाना है उसको माइकल को ढूंढने, ठीक है तो बाय बाय गाइस, टेक केयर।